अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या हो रहा था? बस मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं अभी नहा धो के बैठी हूँ, नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ। जुमा है, आप लोगों को पता ही है कि जुमे वाले दिन यही सारी मसरूफियात होती हैं, तो मैंने भी यही मसरूफियत दिखाई है अपने घर में। और तो कोई काम था नहीं करने के लिए, मैंने कहा चलो यही कर छोड़ूँ। फैजी को कहा कि जाए चले जाके नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, फिर ये लोग गए हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए। अब तो खैर 3:30 हो रहे हैं, आ गए सब, खाना अभी तक बनाया नहीं है। मैंने खाना बनाने के चक्कर में हूँ कि क्या पकाऊँ, तो सोच रही हूँ आज मैं दाल चावल बना लूँ। फैजी, मैं सोच रही हूँ मूँग की दाल चावल बना लूँ, है सही है? नहीं, चिकन ना करे यार आप, ना बस हर वक्त चिकन नहीं बना रही मैं। अभी कल मैंने चिकन की वो बनाई थी ना, चिकन यार, लेकिन मैं दाल चावल भी बनाऊंगी थोड़े से। ठीक, मैं दाल चावल भी बनाऊंगी साथ में। अब ये फैजी ने तो कह दिया कि जी चिकन बनेगी, क्योंकि वो बच्चे, फिर वही मसला आ जाता है यार बच्चों का ना, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, फिर उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब मैं चल रही हूँ, बैठती हूँ ड्राइंग रूम में और आपको दिखाती हूँ ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है। हमारे ड्राइंग रूम में हो रहा है असल, एक शदीद कोने में पड़ा हुआ, ये देखें, ये आपको नज़र आया होगा, ये असल पड़ा हुआ है। देखा आप लोगों ने कहाँ जाके पड़ा है? मैं ढूंढ रही हूँ, घर में से नज़र नहीं आ रहा असल, तो ये इतने कोने में पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं बताने लगी थी आपको एक बात। अभी मैं ना ड्रामा देख रही थी, एक ना तिनके का सहारा। अच्छा, मैं 2-3 किस्तें मेरी ना एपिसोड में देखती हूँ उसको रूटीन में ही, तो जिसमें वो उसका माहत है, उसका हस्बैंड जो वो डेथ हो गई है, उसको गोली मार दिया है। तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ उसको, 2-3 एपिसोड मेरी निकल गई थी, मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने यूट्यूब पर देखी नहीं। यूट्यूब पर जब मैं देख रही थी उसे ड्रामे को, तो उसमें ड्रामे में क्या देख रही हूँ मैं कि अब इद्दत में बैठी हुई है। अब इद्दत में बैठने का मतलब ये है कि जी आप किसी गैर मर्द के सामने नहीं आ सकते, ऐसा ही कि जी कदर का जो मसला है कि जी वो अब किसी गैर मर्द के सामने नहीं आ सकती है। पुलिस को उसे गवाही देनी है कि जी क्या हुआ था उसके हस्बैंड के साथ। तो उसके उसने जो किया कि चलो जी इद्दत में, सास उसकी कहती है कि जी वो तो इद्दत में, वो कैसे आएगी, मगर वो कहते हैं कि जी आपने आए पर्दा करके आ जाए, वो पर्दा करके आएगी। मैंने उसके क्लिप भी लिए हैं, वो भी मैं इसके साथ ऐड करूँगी, वो देखिएगा आप। अब वो पर्दा करके आगे चलें, ऐसा मजबूरी आप आ गई, आप मुंह को ढाँप के आ सकते हो, लेकिन उसने क्या किया है कि सिर्फ पहले जो आई है तो वो अपना इतना मुंह कपड़े से ढक के आई है, वो भी सही है, चलो मुंह ढक के आ गई, लेकिन फिर उसके बाद जब वो आई है और आके आई है, आगे पूरा इतना मुंह उसका साफ उन आदमियों के सामने नजर आया, तो या तो वो चीज़ ही मत दिखाओ, और अगर आप उस चीज़ को दिखा रहे हो तो प्रॉपर तो दिखाओ। आप लाके आदमियों के सामने बिठा दिया आपने एक लड़की को, और फिर उसके साथ साथ आप उसको ला के बिठाने के बाद भी आप उसका पर्दा भी हटा दिया आपने चेहरे से, तो ये तो नहीं है तरीका। अब लेकिन ये कि जो सिया सफ़ेद जो दिखा रहे हो उस पर मिलियन ट्रिलियंस पे उसके व्यूज़ जा रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल ही एक गलत बात दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसको मिलियन ट्रिलियंस पे उसके उसके व्यूज़ जा रहे हैं, और सब इतना हिट जा रहा है ड्रामा जी तिनके का सहारा, तिनके का सहारा। अरे यार बहुत, मैं भी बहुत शौक से थी, लेकिन मैंने वो जो 2-3 चीज़ें देखी ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। टीन से वो दिखा रहे हो, बेशक वो उसकी बीवी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह दिखा रहे, तो इस चीज़ को तो सही दिखाओ। आप तो माशरे को बिल्कुल एक नई तरफ लेके जा रहे हो, सिया करो सफ़ेद करो जो मर्जी है वो करते रहो। अब जैसे वो एक डांसिंग गर्ल, मैं तो उसे डांसिंग गर्ल ही कहूँगी ना, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा बन गया, मेरा दिल ये पुकारे, वो डांस कर कर के लोगों को वो कर रही है, सब कर रही है, और ना इतना हेट, वो मिलियन ट्रिलियंस पे उसके भी व्यूज़ जा रहे, लेकिन क्या है कि जी है वो एक डांस, हम डांस को प्रमोट कर रहे हैं, हम कितना ज़्यादा वो जो हम सुकून से शराबा से बैठ के काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उन सब के लिए इतना कुछ है कि जी मिलियंस पे उसके ट्रिलियंस पे उसको पता नहीं कि जी मैं, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तो व्यूज़ आ रही हूँ आ रहे हैं, मेरे इतने फॉलोवर्स हो गए, यूँ हो गए, मैं तो इतनी चुन्नी का की है, तू जाके सड़क वहाँ खड़े होकर डांस कर रही है अपने दोस्त की शादी में, अब बगैर किसी उसके कि जी ना कोई इतने दुपट्टा ना कुछ, और तू डांस कर रही है भरी महफिल में, और उस पर निदा यासी साहिबा जो हैं वो उसको इतना प्रमोट कर रही हैं कि जी अरे माशाल्लाह से तुम वहाँ पहुँच गई, क्या बात है यार तुम्हारी, तुम स्टेज पे चली गई, तुमने डांस किया,
तुम स्टेज, अरे ये कोई तरीका थोड़ी होता है। आप अगर आप बात भी कर रहे हो, कर चलो ठीक है बच्ची ने, कि बच्ची हो तो करे ना कि हाँ भी बच्ची ने डांस कर लिया, अच्छी जवान लड़की है। और वैसे वैसे अगर कोई बेचारा मियाँ बीवी मिलके डांस कर लेंगे तो उसके ऊपर इतनी बातें बन जाती हैं, और अगर खाली एक इसके ऊपर, इसके तो व्यूज ही कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। अजीब सी बात है यार, मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बिल्कुल ये मेरा नज़रिया है, मुझे अच्छा नहीं लगा, आप लोगों की अपनी नज़रियात है, आप लोगों का अपना देखने का तरीक़ेकार है, तो वो आपको कैसा लगा ये बताइएगा। बस अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, और किचन में मैं पकाने लगी हूँ वही चिकन। चिकन्नी बना रही हूँ मैं आज, और चिकन मैं बना रही हूँ। देखिए मैंने ना अपने ना दुपट्टे यहाँ लटका दिए, ताकि मैं जब भी ब्रॉड करती हूँ ना तो दुपट्टा नहीं होता मेरे पास तो मैं दुपट्टा यहाँ से लेती हूँ, फिर गले में डालती हूँ और फिर बैठ जाती हूँ, फिर फौरन मैं आपके सामने आ जाती हूँ। हेलो, हाय, हाउ आर यू, खाना खा के जाना। तो ये था अभी सारा किचन, तो आपको पता ही है क्या हो रहा होगा। वैसे इतना फैल नहीं रहा, मैंने रात बहुत रात को 2-2:30 बजे भी मैंने किचन को सफाई करके फिर मैं सोई हूँ, क्योंकि कल मैं नहीं सोई थी सफाई करके, तो बहुत हो गया था किचन का ना हशर हो गया था। और अब मैं पकाने लगी हूँ वो चिकन जिंजर, आई थिंक चिकन जिंजर ही बना रही हूँ, मैंने तो सोचा यही है, अब जब चिकन बनेगी तो चिकन जिंजर ही बनेगा। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे। मैं बनाने लगी हूँ इस वक्त चिकन जिंजर। तो चिकन जिंजर के लिए हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ रख दी हैं। ये दही चाहिए मुझे 1 बाउल, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 2 टेबल स्पून, खाली अदरक चाहिए 2 से 3 टेबल स्पून, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये है साबुत धनिया और ज़ीरा, इसको मैंने हल्का सा तवे पे फ्राई करके तो मैंने इसे कूट लिया है, देखें कितना बारीक हो रही है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। और टमाटर हैं तकरीबन 1/2 kg, तो चिकन भी है तकरीबन 1/2 kg, 1/2 kg से ज़्यादा ही है मगर है 1/2 kg का मैंने रेशो रखा है, ठीक है। और ये केचप है, गार्लिक केचप। अब ये चिकन जिंजर जो बनती है इसमें थोड़ा सा गार्लिक केचप भी, गार्लिक केचप ना डालें आप, वो पेस्ट डाल दें कुछ भी, लेकिन मैं चूँकि गार्लिक ये डालती हूँ, गार्लिक हो या सादी केचप हो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने चिकन ले ली है, ऑयल तो गर्म हो गया है मेरा, इसमें मुझे चिकन को कलर चेंज करना है चिकन का मुझे, मगर ये जो कलर मैं चेंज करूँगी ना चिकन को, जो मैंने भूनना है तो ये मैंने करना है, ये मैंने जो कटी हुई अदरक आपको दिखाई है इसके साथ, वो इसलिए चिकन जिंजर बना रहे हैं तो हमें अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये इतनी देर इसका ये भुनेगी, इसके बाद मैं ऐसे ऐसे इसमें चीज़ें सब ऐड करती चली जाऊँगी। ये चिकन मेरी हो गई है, अब मैं इसके ऊपर जैसे हमने टमाटर रखे थे अपनी वो चरसी कढ़ाई पे, इसी तरह हमने इस पर भी टमाटर रख देना। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, नो इशू, लेकिन मुझे इस तरह अच्छा टेस्ट आता है तो मैं जैसे करती हूँ मैं वो बता रही हूँ आपको, आप इसको चाहें तो आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, स्टीम रख के जो आता है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलें जी, अब ये हम इस पे से रिमूव कर देंगे सारा छिलका जैसे हमने चरसी कढ़ाई में किया था। तो नहीं हुए सॉफ्ट उनको हम बाद में भी उतार सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें, क्योंकि जब तक सॉफ्ट नहीं होंगे तो छिलका वैसे भी उतरता नहीं है उस वक्त तक। इनको उतारने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो उतर चुके हैं, ये थोड़ा सा रह गया था इसको मैंने हटा दिया, और ये देखिए अब इसकी ये शक्ल हो गई है। अब हम जो है टमाटरों को इसमें ही करेंगे, लेकिन बोटियाँ ना टूटें ऐसे करेंगे। अब इस पानी में टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे इस स्टेज पे लहसुन भी साथ में, लहसुन भी इसमें ऐड कर दिया है। अब ये इसमें, और मैं इसमें और भी स्पाइस डाल दूंगी, मेरे पास रखा हुआ था कुटा भुना ज़ीरा जो मैंने अभी आपको दिखाया था,
जीरा और साबुत धनिया मैंने पीस के रखा है, पीसा है अभी, फ्राई करके इनको हल्का सा भून के तवे पे दो, और ये इसका बहुत बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। वैसे तो मैं आपको पता है मैं अपने हर मसाले में ज़्यादातर कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इसमें कुटी हुई मिर्च ले ली जाएगी। नमक वाली ना हाफ टी स्पून, ये सुर्ख मिर्च है, ये 3 टीस्पून हो गया, 2.5 टीस्पून है पिसा हुआ गरम मसाला, ये 1 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून। अब हम इसको कर देंगे मिक्स और इसको पकने देंगे ताकि ये इन किसी में ये टमाटर भी गलेंगे और हमारे चिकन तो खैर गली गई है, बस ये टमाटर इस पानी में हमारे घुल जाएंगे। ये देखें जी चिकन हांडी जब ये 80-90% के करीब पक गई है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी योगर्ट, दही 1, 2, 3 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड कर दिए। दही ऐड करके मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, बहुत अच्छे से हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए जी दही हो गई है मिक्स और इसका टेस्ट जो है बहुत मज़ेदार आया हुआ है, और अब इसमें जाएगी थोड़ी सी केचप। ये देखें बस 2-3 टेबल स्पून इसमें। ये देखें जी ये और चिकन जिंजर हो गया हमारा। चलें जी अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ये हरी मिर्च, मैंने बारीक काट के रखी हैं, ये आ गई अदरक, क्योंकि चूँकि ये हमारा सालन ही जिंजर पे बेस करता है तो जिंजर का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा, और ये आ गया हरा धनिया। चले जी ये तैयार हो गई है मेरी टन 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 वाली चिकन जिंजर। स्टार्ट कर दिया तो बता दो। अच्छा जी इट्स अ टाइम टू रेमेडी टाइम। आज की टिप लेके आई हूँ, आज की टिप है दांतों से मुतालिक। ये जो टिप है ये दांतों को वाइट करने के लिए, इसमें आपने लेना है केला, केले का छिलका, पूरा केला नहीं लेना है, केले का छिलका और छिलके के भी अंदर वाला जो वाइट वाइट होता है उसको हमने सब उतार लेना है सारा। एक मैश सा हमारे पास, जब हम कांटे से करेंगे तो वो एक पेस्ट तरह का हमारे पास आ जाएगा, उसको लेना है। उसमें हमने ऐड करना है थोड़ा सा मैदा, और मैदा और थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून हमने उसमें टूथपेस्ट डालना है, और उसे सबको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, उसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। जब वो बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएगा तो हमने उसे अपने ब्रश पे लेके दांतों पे अप्लाई कर देना है। 2-4 मिनट लगाने के बाद फिर हमने उसे ब्रश कर लेना है। 1 हफ्ते तक यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ेगा, दांत बहुत अच्छे खूबसूरत हो जाएंगे। 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट आ जाएगा, दांत वाइट हो जाएंगे, होना शुरू हो जाएंगे, एक फ़र्क वाज़ा फ़र्क नज़र आएगा 1 हफ्ते के अंदर। तो थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूला करें, आप लोगों का प्यार है ये जो मुझे ज़रूरी चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। डू